जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हैं इंजन से एक सनसनाहट का साउंड आता रहता है काफी। मेरे पास हीरो कंपनी का स्प्लेंडर प्रो बाइक है, चाहे आपके पास हीरो का स्प्लेंडर प्रो है, पैशन प्रो है, सीडी डिलक्स है, या फिर एचएफ डिलक्स है, या फिर स्प्लेंडर आपके पास ओल्ड मॉडल है। जब भी आप बाइक को स्टार्ट करते हैं इंजन से एक सनसनाहट का साउंड आता रहता है, काफी ज्यादा साउंड आता है, इंजन का सोसियाहट का साउंड आता है, सोसों का साउंड आता है। देखिए आपको हम बाइक को स्टार्ट करके आपको सबसे पहले साउंड सुना रहे हैं। इग्निशन ऑन कर दी, बाइक स्टार्ट है और इंजन से एक साउंड आ रहा है जो काफी ज्यादा सनसनाहट का साउंड है। और जैसे इंजन गर्म होता है तो काफी ज्यादा साउंड बढ़ जाता है सनसनाहट। देखिए देखिए थोड़ा टोटल देता है, देखिए ये साउंड सब ठंड के मौसम में काफी ज्यादा आ जाता है। ये साउंड किस चीज का है देखिए, जो हमारा हीरो का जो पट इंजन बाइक जो किस इस प्रकार का है रोलर गैल, इसका अगर प्राइस का बात कर ले अभी का तो देखिए 87 रुपया प्राइस है। इसको हम ओपन करके दिखला रहे हैं, देखिए यही वो रोलर गैल है। देखिए अभी ये रोलर गैल देखिए कितना सॉफ्ट है, ये कितना सॉफ्ट है। यही रोलर गैल होता क्या है, कुछ दिन बाइक चलने के बाद ठंड के मौसम में एक रबर जो है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, थोड़ा भी इसके अंदर सॉफ्टनेस नहीं रह जाता है, काफ़ी ज़्यादा रबर हार्ड हो जाता है। इसके प्रॉब्लम्स इंजन के अंदर से सनसनाहट का साउंड आने लगता है। इस साउंड को चेकअप कैसे करेंगे, इसके लिए आपको इस तरह का एक 10 mm का टी रिंच ले लेना है। और ये जो देख रहे हैं रोलर गाइड यहीं पे लगा है, जो ब्लॉक में लगा है, यहाँ पे इस तरह से अंदर में लगा है, इस तरह से जिस टाइम टाइमिंग चेंज करते हैं उस टाइम रोलर गाइड को भी चेंज कर इस तरह से अंदर में फिट होगा। तो देखिए जैसे इस बोल्ट को ढीला करेंगे, अभी देखिए एक साउंड आ रहा है सनसनाहट का, देखिए जैसे बोल्ट को ढीला किए साउंड रिमूव हो गया, देखिए थोड़ा भी अब साउंड नहीं आ रहा है। देखिए जैसे ही टेंट किया साउंड आ रहा है, थोड़ा नजदीक से और देख ला रहे आपको एक साउंड आ रहा है, ढीला किया साउंड बंद हो गया, टेंट किया साउंड आने लगा। तो आप इस तरह से चेकअप कर सकते हैं बाइक का, ये रोलर गाइड खराब है या फिर टाइमिंग चेन खराब है। जब आपके बाइक से सनसनाहट का साउंड आ रहा है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सनसनाहट का साउंड आ रहा है, उस टाइम आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ रोलर गाइड को चेंज कर दीजिए। आपको टाइमिंग चेन नहीं चेंज करना, सिर्फ और सिर्फ ये रोलर गाइड को चेंज करना है। अगर आप नहीं चेंज करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, इंजन के अंदर से बिल्कुल थोड़ा सनसनाहट का साउंड आएगा, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सुनने में थोड़ा ख़राब लगते रहते हैं, इसलिए कस्टमर बोलता है इसको चेंज कर देना है, लेकिन वैसे नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा इंजन के अंदर। और एक चीज़ और हम आपको बतला रहे, देखिए जो टाइमिंग चेन हमारा कंपनी से लग करके आया है उसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। अगर रोलर गेट चेंज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रोलर गेट चेंज कर रहे हैं, उस टाइम आपको मैकेनिक बोला है कि इसको ओपन किया है तो टाइमिंग चेन भी चेंज करते, ऐसा नहीं है। टाइमिंग चेन का जब साउंड है तो टाइमिंग चेन आप भूल से भी नहीं चेंज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ रोलर गेट चेंज कर दीजिए, इंजन का सनसनाहट का साउंड 100% रिमूव हो जाएगा। अगर आप लोग रोलर गेट का चेंज करने का वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बतला दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बतला दूंगा कि सिर्फ और सिर्फ रोलर गेट को किस तरह से चेंज करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों के मन में ये भी डाउट आता होगा, अगर रोलर गेट को हम निकाल देंगे तो क्या होगा। देखिए रोलर गेट इसलिए दिया जाता है कि हमारा जो बाइक के अंदर जो एक चेन लगा है, 2 चेन लगा है, और हीरो के बाइक में 3 चेन लगा है, एक मेन चेन हो गया, दूसरा एक सेल्फ चेन हो जाता है, तीसरा जो हो जाता है इंजन के अंदर जो लगा है वो टाइमिंग चेन हो जाता है। तो टाइमिंग चेन के बीच में लगा रहता है ताकि एक दूसरे चेन टच ना करे और जल्दी टाइमिंग चेन से और चेन से साउंड रहता है, अगर बॉडी से टच करना तो साउंड आने लगा, इसलिए यहाँ पे एक रोलर गाइड लगा रहता है। और जो हमारा खड़ा इंजन होता है उस बाइक में बहुत में देगा टाइमिंग पैड लगा है, एक तो ठंड में ख़राब हो जाता है ये रबर जो है ख़राब हो जाता है, और दूसरा हो गया इंजन जो चलते 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 ओवर हीट होता है, गर्म होते होते घिस जाता है, इसका जो लेयर जो देख रहे हैं ऊपर कॉलर जैसा बने घिस जाता है, उसके प्रॉब्लम से ख़राब हो जाता है। तो ख़राब होने का यही 2-3 रीज़न है जिसके प्रॉब्लम से रोलर गेट ख़राब हो जाता है और इंजन का साउंड को ख़राब कर देता है। इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।